Hey friends, welcome back to my channel. आज हम स्टालिनग्राड इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.7। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के शुरुआत में ही हम एक प्लेन को देखते हैं, जिसमें से एक एम्बुलेंस निकलती है। दरअसल जापान में भूकंप और सुनामी के कारण बहुत बड़ा विनाश हुआ है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। नुकसान इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया के लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं, और इसीलिए यहीं पर मदद करने के लिए हर देश से लोग आ रहे हैं। और ये एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है, जहां अभी तक 8,000 लोगों की जान चली गई है। यहां पर हर तरफ आग से बिल्डिंग जलकर राख हुई है, टूटकर हर तरफ मलबा बिखरा है, और अभी तक यहां से 28 लोगों को जिंदा बचाने में कामयाबी मिली है। लेकिन एक बिल्डिंग के डाइनिंग हॉल में और 5 लोग फंसे हुए हैं। सभी पांचों भी जर्मन्स हैं, इसीलिए इनसे ठीक से कम्युनिकेशन करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। फंसे हुए ये लोग 2 फीट 6 इंच की स्लैब के नीचे फंसे हैं। इन 5 लोगों में से 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं। बचाव कर्मी इनके पास अभी तक सिर्फ एक कैमरा पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। फिर वो डॉक्टर उन 5 से कहता है कि शांत रहो और सिर्फ एक ही बात करेगा, क्योंकि जहां पे ये 5 लोग फंसे हुए हैं, वो जगह मलबे से पूरी तरह से ढक गई है, पूरी तरह से बंद हो गई है, और इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अंदर से एक लड़की डॉक्टर के साथ बात करती है, इसका नाम नीना है। ये डॉक्टर से बात करते करते रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे पिताजी की मौत हो चुकी है और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नीना के इस तरह से रोने की वजह से वहाँ की पूरी ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए, इसीलिए डॉक्टर उसे रोकते हुए कहते हैं कि मेरे भी 5 पिता थे, वो सब मर चुके हैं और मुझे भी उन सभी की याद आती है, लेकिन फिर भी मैं नहीं रोता। इस पे नीना कहती है कि एक इंसान के 5 डैडी कैसे हो सकते हैं। तब डॉक्टर अपनी जिंदगी की कहानी बताना शुरू करते हैं और कहानी फ्लैशबैक में आती है। साल है 1942 का, रूस का स्टालिनग्राड नाम का शहर है। सैनिकों के साथ मित्र राष्ट्रों की सेना वोल्गा नदी पार कर रही है। इनके राफ्ट से बनाए हुए ब्रिज पानी के नीचे चले गए हैं, इसीलिए इन पे चलने वाले सैनिक पानी पे चल रहे हैं ऐसा दिख रहा है। वोल्गा नदी पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसीलिए रूसी सैनिक एक लाइन से छोटी छोटी जहाजों को खड़ा करते हैं और उन पे लकड़ियों के सहारे ब्रिज बनाते हैं। दूसरी तरफ एक नाव में 4 रूसी सैनिक बैठकर नदी पार कर लेते हैं और स्टालिनग्राड के तट पे पहुंच जाते हैं। और इन 4 का मिशन है कि जर्मन सेना के कब्जे में जो बिल्डिंग है, जिसके अंदर बम के डेटोनेटर है, उसे तलाश करके निष्क्रिय करना और वहां के सैनिकों को मारकर उस बिल्डिंग को कब्जे में लेना। दरअसल जर्मन्स ने वोल्गा नदी के किनारों पे ऑयल टैंक्स पर हर जगह पर बम लगाए हैं, और उन सभी बमों का रिमोट कंट्रोल वो डेटोनेटर है। इन बमों की वजह से रूसी सेना स्टालिनग्राड शहर में घुस नहीं पा रही थी, और उधर पूरी रूसी सेना जर्मन्स के ऑयल टैंक्स पर कब्जा करने के लिए निकलती है, और इन्हें आते हुए जर्मन कैप्टन देख लेता है और वो तुरंत ऑयल टैंक को उड़ाने के आदेश दे देता है। तभी वो 4 रूसी सैनिक उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं और जर्मन्स पे बम और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जर्मन्स भी उनकी तरफ फायरिंग करते हैं, दोनों तरफ से सैनिक मारे जाने लगते हैं, और फिर एक रूसी सैनिक को डेटोनेटर मिल जाता है। वो डेटोनेटर के वायर को कट करने ही वाला था कि तभी जर्मन कैप्टन इस पे हमला करके इसे जख्मी कर देता है और फिर डेटोनेटर से ब्लास्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। नदी के किनारे पर हर तरफ आग लग जाती है, हर तरफ ब्लास्ट हो रहे थे, और इस आग की वजह से इनमें से बहुत सारे रूसी सैनिक जलने लगते हैं। वो दर्द से चीखते चिल्लाते हैं, रूसी सैनिकों के पूरे बदन पे आग लग जाती है, पर पूरी तरह से जलते हुए भी वो लोग आगे बढ़ते हैं और जर्मन्स पे हमला करते हैं। और इस तरह से जलते हुए रूसी सैनिकों को हमला करते हुए देखकर जर्मन सेना डर जाती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन मरते मरते रूसी जर्मन्स को मार देते हैं, और तभी जर्मन प्लेन आकर वोल्गा नदी पार कर रही रूसी सेना पर फायरिंग करती है और बहुत सारे बम गिराती है। प्लेन बहुत बड़ी तबाही मचा देता है। उधर बिल्डिंग में 4 रूसी सैनिकों में से 2 की मौत हो जाती है। बचे हुए 2 में से एक का नाम कैप्टन ग्रोमोव है और दूसरे का नाम चुआनोव है। बिल्डिंग में इन्हें एक सैनिक बंधा हुआ मिलता है, जो एक ऑफिसर है, जिसका काम तोपों को बमबारी के लिए रेडियो से जगह की लोकेशन भेजना होता है। उसका नाम सरगेई है। ग्रोमो उसे बेस पे रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने के लिए कहता है। तभी दूसरे रूम में से चुआनोव कैप्टन ग्रोमो को बुलाता है। वहाँ एक जर्मन सैनिक होता है, जिसने एक लड़की को बंधक बनाकर रख लिया था। तभी वहाँ पर एक रूसी सैनिक भी आता है, जिसका नाम निकिफोरोव है। ये सब मिलके उस जर्मन को मार देते हैं और उस लड़की को आजाद कर देते हैं। तभी वहाँ एक और रूसी सैनिक आ जाता है, जिसका नाम वसीली है।
और अब यहाँ पर कुल मिलाकर 5 रूसी सैनिक हैं और एक लड़की है। इस लड़की का नाम कात्या है और ये 5 भी उस लड़की कात्या की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कात्या यहीं पर रहती थी, दरअसल इसी बिल्डिंग में उसका एक अपार्टमेंट था। कैप्टन ग्रोमो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक नहीं सकती, तुम्हें जर्मन्स मार देंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। तब वो लड़की जवाब में कहती है कि ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। फिर वहाँ कुछ और रूसी सैनिक आ जाते हैं जिनका अधिकारी क्रॉसनोव होता है। कैप्टन ग्रोमो उनसे बिल्डिंग में मरे हुए जर्मन्स को बाहर निकलवाता है और ये सब दूसरी बिल्डिंग से जर्मन कर्नल दूरबीन से देख रहा होता है। और फिर कान नाम के एक कैप्टन पे गुस्सा करते हुए पूछता है कि वहाँ पे रूसी क्यों है। तब कान कहता है कि मुझे सिर्फ ब्लास्ट करने के ऑर्डर्स दिए गए थे, बिल्डिंग पे कब्जा बनाए रखने के ऑर्डर्स मुझे नहीं दिए गए थे। तब कर्नल कैप्टन कान को ऑर्डर देते हैं कि वो कल ही उस बिल्डिंग को वापस कब्जे में लेंगे। और फिर दूसरी तरफ कैप्टन कान एक बस्ती में जाता है जहां बहुत सारे आम रूसी लोग रहते थे। इस शहर में बहुत सारे आम लोग भी रहते हैं जिन्होंने इस खतरनाक लड़ाई के माहौल में भी इस शहर को नहीं छोड़ा है। वो नहीं चाहते कि उनके घर पे, उनके शहर पे जर्मन्स अपना कब्जा बना ले। कान वहाँ एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम माशा है। वो उस लड़की माशा के लिए खाना और जरूरत का सामान लाया था। दरअसल माशा कान की बीवी की जैसे दिखती है। कान इससे बताता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। दरअसल इन दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती, लेकिन कान उससे इशारों में बातें करता है। तभी बाहर कुछ ब्लास्ट और फायरिंग होना शुरू हो जाती है, इसीलिए कान वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते वो माशा को कहता है कि ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है और वहाँ के लोगों को धमकाता है कि वो लोग माशा का खाना ना ले, अगर किसी ने लिया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। उधर बिल्डिंग में एक रूसी सैनिक वापस जाने की कोशिश करता है, कैप्टन ग्रोमोव उसे गोली मारकर मरवा देता है। तभी बाहर जर्मन्स कुछ स्टेलिंग्राड के आम लोगों को इकट्ठा करते हैं। सभी को लाइन में खड़ा किया जाता है। दरअसल जर्मन अधिकारी को शक होता है कि यहाँ पे एक औरत और एक बच्चा यहूदी है। फिर जर्मन ऑफिसर के ऑर्डर पे उस औरत और बच्चे को बस में डालकर उस बस को लकड़ियों से बंद करके उन दोनों को जिंदा जला दिया जाता है। ये सब कुछ रूसी सैनिक बिल्डिंग से देख रहे थे। कैप्टन ग्रोमो फायर गन चलाने वाले को गोली मारकर खत्म कर देता है और सभी रूसी सैनिक बाहर जाकर जर्मन पे हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती है, दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन जर्मन पे रूसी हावी हो रहे थे। तब कान जर्मन सैनिकों को वापस हटाकर मोर्टार रॉकेट लॉन्चर से बमबारी करवाता है और जर्मन की इस खतरनाक बमबारी की वजह से रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ता है। कैप्टन कान माशा के पास जाता है। दरअसल माशा कान से बहुत नफरत करती है और वो कान को मारने के लिए हाथ में चाकू उठा लेती है। कान उस चाकू को छीन कर उस पे जबरदस्ती करता है। फिर कात्या निकिफोरोव के जख्मों पे मरहम पट्टी करती है और उसे बताती है कि वो उसके माँ के साथ अक्सर उसके गाने के प्रोग्राम्स देखने जाती थी। मेरी माँ और बहन दोनों भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। ये सुनते ही निकिफोरोव कात्या का हाथ चूम लेता है। दरअसल निकिफोरोव स्टेलिंग्राड शहर में बहुत फेमस था। कैप्टन ग्रोमो बिल्डिंग के बाहर जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें से हथियार लाने के लिए कुछ सैनिकों को भेजते हैं। निकिफोरोव ने इस वॉर के दौरान इतने बुरे हालात देखे थे कि इन हालात की वजह से वो चुप हो गया था और बहुत क्रूर भी हो गया था। प्लेन के हथियारों के लिए जर्मन्स भी वहां पर आ जाते हैं। वहां छुपकर निकिफोरोव पहुंचकर उन जर्मन्स को बेरहमी से मार डालता है। फिर एक दिन चुआनोव कात्या से पूछता है कि जर्मन्स ने तुम्हारे साथ क्या किया। इस बात से कात्या बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं डर गई थी, मैं कुछ कर नहीं पाई, बस मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब उससे बात करने के लिए वसीली उसके पीछे जाता है। वो कात्या से बातें करता है और कहता है कि उसकी शादी हुई है और उसकी एक बेटी भी है और उसकी पत्नी और बेटी 1 पहले मर चुके हैं। इस तरह इनकी बातचीत से इनकी नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। उधर माशा से कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा होता है। सब उसको कैप्टन कान की वजह से अपमानित करते हैं। वो पानी लाने के लिए बाहर निकलती है। तभी कात्या चुआनोव के पास बंदूक चलाना सीखने के लिए आती है। वहाँ पर कैप्टन ग्रोमोव मौजूद है। तभी वहाँ पर एक जर्मन सैनिक पीने का पानी भरने के लिए आता है। चुआनोव कात्या को गोली चलाने के लिए कहता है। कात्या के गोली चलाने से जर्मन जगह पर ही मारा जाता है और ये सब देखकर कैप्टन ग्रोमोव बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जानवर भी अपने दुश्मन को पानी पीते वक्त नहीं मारता।
जवाब में चुआनोव कहता है कि वो कोई सैनिक नहीं है, वो नाजी है। और चुआनोव को नाजियों पे बहुत गुस्सा था क्योंकि नाजियों ने उसके 7 साल के भाई को मार डाला था। और तभी जर्मन सीन पर गोलियां चलाते हैं। कर्नल को स्टालिनग्राड के सभी नागरिकों को वहां से हटाने के ऑर्डर्स मिले हैं, इसीलिए वो बस्ती में जाते हैं। वहां पर माशा के साथ कैप्टन कान को देखकर वो कैप्टन कान को बहुत अपमानित करते हैं। उधर कैप्टन ग्रोमोव को लगता है कि कात्या की वजह से सभी सैनिकों का लड़ाई पे से अपनी मातृभूमि पे से ध्यान हट रहा है, इसीलिए वो उसको गुस्सा करके यहां से जाने के लिए कहते हैं। कात्या कहती है कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी जर्मन्स के खिलाफ लड़ूंगी। कैप्टन ग्रोमोव वो उम्र में छोटी है ये कहकर इनकार कर देते हैं। कात्या उसे पासपोर्ट दिखाकर कहती है कि आज ही मैं 18 बरस की हो गई हूँ। और कैप्टन ग्रोमोव को ये पता चलता है कि आज ही कात्या का जन्मदिन है। फिर जर्मन्स तोपों से नदी से आने वाले सभी रूसी सैनिकों के ऊपर बमबारी करने लगते हैं। और दूसरी तरफ सभी स्टालिनग्राड के नागरिकों को स्टालिनग्राड से निकाला जा रहा था। तब कैप्टन कान माशा को किसी तरीके से ढूंढ लेता है। फिर वसीली एक बहुत ही लाजवाब निशाना लगा के जर्मन बिल्डिंग को उड़ा देता है। जर्मन्स का इस ब्लास्ट से बहुत नुकसान हो जाता है। तभी वहाँ कैप्टन कान माशा को लेकर आता है। इन दोनों को देखकर कर्नल दोनों पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुमने वो बिल्डिंग वापस कब्जे में नहीं ली तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर ये पांचों भी कात्या के जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। दरअसल इस वॉर के माहौल में कई दिनों से लोग नहाए नहीं थे, तो वो पांचों एक बात तब उठा लाते हैं। फिर कैप्टन कान सभी जर्मन सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि 15 मिनट में हम इस बिल्डिंग पे हमला करेंगे। और इस तरीके से मोटिवेट होके सभी जर्मन सैनिक उस बिल्डिंग पे हमला करने जाते हैं। उन्हें आता देखकर कुछ रूसी सैनिक मरे हुए सैनिकों की लाशों के नीचे छुप जाते हैं। जर्मन सैनिक अंदर आते ही छुपे हुए रूसी सैनिक अचानक से हमला कर देते हैं और दोनों तरफ के सैनिक मारे जाने लगते हैं। बचे हुए जर्मन सैनिक बिल्डिंग से निकलकर वापस भाग जाते हैं। कैप्टन ग्रोमोव कैप्टन कान को पकड़ने ही वाला था, तभी कैप्टन कान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर कैप्टन ग्रोमोव कात्या के रूम में जाकर उसे बाहर निकाल रहे थे, तभी कान एक खराब टैंक से बिल्डिंग पे बम दागता है, जिससे ग्रोमोव और कात्या थोड़ा बहुत जख्मी हो जाते हैं। फिर कात्या और ग्रोमोव नजदीक आ जाते हैं। फिर सभी रूसी सैनिक मिलके कात्या का जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ निकिफोरोव गाना भी गाता है और कात्या को गिफ्ट के तौर पे लाया हुआ टब दिखाकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कात्या वही रुककर नहाने लग जाती है। तभी अकेला सरगेई वापस कात्या के पास आ जाता है और उसे जल्दी से तैयार होने को कहता है। वो उसे चुपके से बिल्डिंग के बाहर ले जाता है। वो दोनों छुपते छुपते एक टावर के पास वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों टूटी हुई दीवार से बाहर वॉर का नजारा देख रहे थे और फिर बात करते करते सरगेई अपने प्यार का इजहार करता है। इसी वक्त दूसरी तरफ कैप्टन कान माशा को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना चाहता था, इसीलिए वो उसे एक टावर के पास के फायर स्टेशन में ले जाता है, क्योंकि उस जगह पर रूसी और जर्मन्स कोई भी नहीं जाता था। बिल्डिंग में जब कैप्टन ग्रोमोव देखता है कि कात्या और सरगेई दोनों बिल्डिंग में नहीं हैं, तब वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकिफोरोव को भेजता है। उसी वक्त कैप्टन कान माशा को फायर स्टेशन में छुपाकर बाहर आ जाता है। कैप्टन कान से बात करने के लिए माशा बाहर आ जाती है। तब चुआनोव अपनी स्नाइपर गन से माशा को गोली मार देता है, जिससे माशा की मौत वहीं पर हो जाती है। दरअसल चुआनोव माशा को कई बार कैप्टन कान के साथ देख चुका था। माशा की मौत से कान बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी निकिफोरोव को बिल्डिंग के बाहर 3 जर्मन सैनिक घेर लेते हैं, तो निकिफोरोव ग्रेनेड से उन तीनों को भी मार डालता है। इनकी आवाज से कान निकिफोरोव को ढूंढकर उसे गोली मारकर जख्मी कर देता है। फिर निकिफोरोव को जर्मन कर्नल के पास लेकर जाते हैं। वहां पर बात करते हुए वो कर्नल पे बेरहमी से चाकू से वार करने लगता है। कर्नल को बचाने के लिए कान निकिफोरोव को गोलियों से मार डालता है और फिर कर्नल भी मर जाता है। तभी वहां पर जर्मन्स के टैंक्स आ जाते हैं। कान उनको लेकर रूसियों के हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग की तरफ निकलने लगता है। टैंक की आवाज आते ही टावर के पास वाली बिल्डिंग से सरगेई निकलता है, लेकिन कात्या को वही रुकने के लिए कहता है। इधर सभी टैंक्स रूसी हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग पर बमबारी शुरू करते हैं। बिल्डिंग में हर जगह पर ब्लास्ट से तबाही हो जाती है। इसमें ग्रोनोव बहुत घायल हो जाता है। चुआनोव और क्रासनोव की मौत हो जाती है। फिर सभी जर्मन्स बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वसीली जख्मी होने के बावजूद भी जर्मन्स का मुकाबला करता है और आखिरकार कान के हाथों मारा जाता है।
फिर कान ऊपर जाता है जहां पर ग्रोमोव रेडियो से अपने बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दोनों भी एक दूसरे पे गोलियां चलाते हैं और इन दोनों को भी एक दूसरे की गोलियां लग जाती हैं। दोनों बहुत घायल हो जाती है। तभी वहां पे सरगेई पहुंच जाता है। सरगेई रेडियो पे एयर स्ट्राइक के लिए इसी बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट देता है और थोड़ी ही देर में एयर स्ट्राइक हो जाती है जिसमें जर्मन्स के सभी टैंक्स उड़ा दिए जाते हैं, साथ ही पूरी बिल्डिंग भी उड़ा दी जाती है जिसमें कान, ग्रोमोव, सरगेई सभी मारे जाते हैं। दूसरी बिल्डिंग से कात्या ये सब कुछ देख रही थी। कात्या ने अपने बेटे का नाम सरगेई के नाम पे रखा था। वो उसे हमेशा कहती थी कि तुम्हारे 5 पिता हैं। अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है जहाँ पे नीना को बचा लिया जाता है और बाहर आने के बाद वो सरगेई के बारे में बचाव कर्मियों से पूछती है और आखिरकार वो कात्या के बेटे सरगेई अस्ताखो से मिलती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।